see that the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years. And with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years, we'll be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years. And this will only make the Army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. ये एक बहुत ही transformative योजना। ये भारत की फौज में पहली बार एक transformation लाई, भारत में transformation लाई। और ये जो योजना है, ये भारतीय फौज जब मैं बोलता हूँ, उसमें थल सेना, नौ सेना और वायु सेना, ये सबके एक कंबाइंड इंस्पेक्शन और कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के बाद ये योजना को आपके देश के सामने प्रस्तुत किया। चार साल का अपना अग्निवीर का टेन्योर पूरे करने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन स्किल्ड मोटिवेटेड और जोश और जज्बे के साथ जो युवा बाहर जाएगा, दैट्स व्हाट द इंडियन आर्मी और द आर्म फोर्सेस विल गिव बैक टू द सोसाइटी। इस दौरान इस युवा को बाहर सेटल होने के लिए सक्षम बनाने के लिए 20 स्टेप्स लिए गए हैं। नए भारत की जो हमारे आज के युवा हैं, वो इतने सक्षम हैं, जो क्वालिटेटिव चेंज इस स्कीम से आएगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है, जिसमें जो हमारा युवा है उसके लिए भी बहुत कुछ है, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ है और आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत कुछ है। योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा यूजफुल होगी। काफ़ी ज़्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिले। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई और ये एक ऐसी योजना है जो कि मैं समझता हूँ भारतीय फौज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार साथ लेके आई है।